हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो हमारा पहला फार्मूला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का। ओके, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, दैट इज गिवन बाय रो एल अपॉन ए। रो यानी क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एल यानी लेंथ ऑफ वायर। ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सेकेंड है ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, सपोज ये रेजिस्टेंस है आर, इससे करंट फ्लो रहा है आई, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो डेवलप हुआ वो है वी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला है। थर्ड है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जितना भी करंट जंक्शन पे आएगा, करंट कमिंग एट जंक्शन, दैट इज इक्वल टू जीरो। हाँ, इसमें याद रखना दो बातें, करंट टुवर्ड्स जंक्शन इसको तुम पॉजिटिव लो, और करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इसको तुम नेगेटिव लो। ठीक है, यह है किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ क्या कहता है? समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके साइन कन्वेंशन है, इसको प्रॉपरली साइन कन्वेंशन के साथ में लगाना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो प्लीज़ एक बार इसका वीडियो देख लेना, मैंने बना के डाला है, उसमें इसके प्रॉपर साइन कन्वेंशन मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ, इसमें याद रखना, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो याद रख लो, मे बी शायद एमसीक्यू के लिए काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये कंसेप्ट क्या है, देखो, सपोज ये रेजिस्टेंस दिया है आर, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, है ना, और ये बैटरी का ईएमएफ है एप्सिलॉन, इससे करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे आई, है ना। तो सबसे पहले तुमको आई का वैल्यू पूछ सकते हैं। आई का वैल्यू पूछ लिया तो इट इज एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन अगर वोल्टेज पूछा, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है, वोल्टेज बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वी दैट आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर। ठीक है, इस पे बेस्ड एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है वोल्ट मीटर वाला, वो याद से करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ये डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, तो अगर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है बट ध्यान दो, है ना, समझ लो, है ना, भावनाओं को समझ जाओ। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में X जो अननोन रेजिस्टेंस है, है ना, वो सपोज लेफ्ट गैप में रखा है, कहाँ पे रखा है, लेफ्ट गैप में, और R जो है ये नोन रेजिस्टेंस है, ये रखा है राइट गैप में। ठीक है, और एलेक्स जो है ये है बैलेंसिंग लेंथ, क्या है ये, बैलेंसिंग लेंथ। तो इसके लिए एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एलेक्स अपॉन 100 माइनस एलेक्स, या फिर तुमने ऐसा पढ़ा होगा एक्स बाय आर, ये आर नीचे होगा तो एलेक्स अपॉन 100 माइनस एलेक्स, ये फॉर्मूला याद रख लो।
हाँ बैलेंसिंग लाइन जो है ये हमेशा लेफ्ट एंड से गिनी जाएगी, है ना, याद रखो लेफ्ट एंड से गिना है हम लोगों ने। बैलेंसिंग लाइन कहाँ से गिना है? लेफ्ट एंड से। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर केल्विन्स मेथड में, यहाँ पे दैट इज जी इज इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन 100 माइनस LX। ठीक है, इसमें याद रखो कि जो जी है ये हमेशा लेफ्ट गैप में लगाया हुआ है, आर जो है ये राइट गैप में लगाया हुआ है, और एल एक्स जो है ये है बैलेंसिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट गैप, मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना, जिस एंड में अपन ने क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पता नहीं ऐसा गट इंस्टिंक्ट कहता है कि आएगा, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है के पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, एक है वी बाय एल, है ना, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड एल इज लेंथ, लेकिन इससे भी ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर एस इंटू आर बाय एल। ठीक है, इसके अंदर सारे टर्म समझाऊंगा। ओके, दिस इज ईएमएफ ऑफ बैटरी, कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑब्वियसली वायर है ना, मैं वायर नहीं लिख रहा, तुम लिख लेना। ठीक है, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, अगर गिवन नहीं है तो इसको जीरो ले लेना, है ना। आर एस इज सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ नहीं बोलेंगे, कनेक्टेड विथ वायर, है ना, वायर के साथ में लगाया हुआ सीरीज रेजिस्टेंस, अगर इसके बारे में भी मेंशन नहीं है तो जीरो ले लेंगे, है ना, लेकिन जनरली मेंशन होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका SI यूनिट भी लिख लेते हैं हम लोग, इसका SI यूनिट है वोल्ट पर मीटर, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ये क्वेश्चन में वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर या माइक्रो वोल्ट पर MM दिया होता है, तो कन्वर्ट करना जरूरी है। किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट पर मीटर में। कन्वर्जन एक बता देता हूं मैं कैसे कन्वर्ट करना है, एक एग्जांपल लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन है इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में, है ना। देखो, अगर दिया है माइक्रो वोल्ट पर एमएम में, इसको कन्वर्ट करना है वोल्ट पर मीटर में, तो ऊपर क्या है? माइक्रो वोल्ट, तो उसके जगह लिखेंगे 10 to the power -6 वोल्ट, है ना। नीचे क्या है? एमएम, तो उसके जगह लिखेंगे 10 to the power -3 मीटर। इसको अगर सॉल्व किया, -3 ऊपर गया तो वो बन जाता है +3, तो ये हो गया 10 to the power -3 वोल्ट पर मीटर। समझ में आए? अब एज अ होमवर्क तुम एक काम करो, ट्राई करके रखो वोल्ट पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने में, वोल्ट पर मीटर में, और माइक्रो वोल्ट पर सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लो, है ना, क्लियर, और वोल्ट पर एमएम को भी कन्वर्ट कर लो, ये तीनों को कन्वर्ट करने का कोशिश करो इस तरीके से, जम गया तो कोई टेंशन ही नहीं फिर, है ना। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ई एम एफ ऑफ सेल फ्रॉम पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, कोई भी सेल का ई एम एफ एप्सिलॉन वन इज के टाइम्स एल वन, के का फॉर्मूला अभी देखा हम लोगों ने, के को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, और एल वन को बोलेंगे हम लोग बैलेंसिंग लेंथ। ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, इसके दो मेथड्स हैं, पहला है इंडिविजुअल सेल मेथड, इसके लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन वन बाय एप्सिलॉन टू इज एल वन बाय एल टू, और दूसरा है सम एंड डिफरेंस मेथड, इसके लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन वन बाय एप्सिलॉन टू इज एल वन प्लस एल टू अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, यहाँ पे L1 L2 क्या है ये समझा देता हूँ, है ना, ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे L1 है बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल
एप्सिलॉन वन और एल टू है बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल एप्सिलॉन टू। यहां पे देखो एल वन क्या है, दूसरे मेथड में एल वन क्या है, एल वन है बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल, व्हेन द सेल्स आर इन असिस्टिंग कंडीशन, और L2 है बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल्स आर इन अपोजिंग कंडीशन, है ना। याद रखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये भी पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू, है ना। अगेन इसके अंदर की चीजें लिख लेते हैं। आर यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर नहीं है, आर इज रेजिस्टेंस बाय विच सेल इज शंटेड। एल वन है बैलेंसिंग लेंथ when the cell is in open circuit condition and L2 है balancing length when the cell is shunted, ठीक है। ये सारी बातें लिख लो। Next ammeter, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको शंट लगाना पड़ता है। शंट का फॉर्मूला है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, है ना। इसमें याद रखो सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना, इसके लिए है ना एक बात इम्पॉर्टेंट याद रखो, आई और आई जी सेम यूनिट्स होने चाहिए, है ना। यूनिट्स अलग अलग नहीं होने चाहिए, है ना। अब आई जी को क्या कहते हैं, Ig is known as full scale deflection, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FSD current, ठीक है। G is resistance of galvanometer, and I is range of एमीटर, ठीक है। अब अगर सपोज अपने को रेंज यानी आई दैट शुड बी एन टाइम्स आई जी अगर करना है तो इस केस में जो शंट लगाना है उसका फॉर्मूला है जी अपॉन एन माइनस वन। ये सबसे ज्यादा यूज फॉर्मूला है, इसी से बहुत सारे करीब करीब सभी क्वेश्चन इसके इसी से सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाना है ना तो एन निकालते हैं। एन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आई अपॉन आई जी से, ठीक है। प्रॉब्लम में आई जी यानी दिया रहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई यानी क्या दिया होता है कि रेंज ऑफ एमीटर, तो पहले आई अपॉन आई जी से, आई अपॉन आई जी, आई जी अपॉन आई नहीं करना है यहाँ पे, आई अपॉन आई जी से पहले एन निकाल लो और फिर बाद में एस का एक वैल्यू लगा दो जी अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट, आई एस अपॉन आई, आई एस अपॉन आई, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट यानी आई एस अपॉन आई, इसका फॉर्मूला है शॉर्टकट है जी अपॉन एस प्लस जी, और फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर ये है आई जी अपॉन आई, इसका फॉर्मूला है एस अपॉन एस प्लस जी, ठीक है। फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर के, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है आर एस, जिसका फॉर्मूला है वी अपॉन आई जी माइनस जी। आई जी जो पिछले बार लिखा था वही है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी यानी पिछले बार जो लिखा था वही है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी यानी रेंज ऑफ वोल्टमीटर, वी यानी क्या है रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लिया सभी ने। दूसरा है अगर वी जी इज एन टाइम्स वी इज एन टाइम्स वी जी तो आर एस का वैल्यू है जी इंटू एन माइनस वन। पिछले बार जो जी अपॉन एन माइनस वन था वो इस बार हो गया जी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे जो थे किस चैप्टर में, हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में।
तो आई होप आई गेस सभी ने ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लिखे होंगे, है ना। इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना अपने एग्जाम में जाने से पहले। ओके चलो अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं ऑन मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।